तो अब क्या होगा कि 8 के राइट साइड 20 आ गया, अब 8 के लेफ्ट साइड देखेंगे तो 5 और 6 मिलेगा हमको। तो अब 5 और 6 को कैसे अरेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि सपोज दैट अगर हम इंडेक्स नंबर 1 लेते थे यहाँ पर, तो इंडेक्स नंबर 0 1 लेते थे, तो 5 और 6 इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 5 और 6 इस तरीके से बन रहा था, ठीक है, ठीक है। बिकॉज 5 और 6 इसलिए ऐसे बन रहा था क्योंकि 0 जो है आपका रूट बन रहा था उस टाइम, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर, कम थी, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, 5 इस तरीके से आ जाएगा और 6 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसकी एक्सेसिंग अगर हम देखेंगे, तो इसकी एक्सेसिंग हमको एक्सेसिंग कॉस्ट जो होगी सबसे कम मिलेगी, ओके। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा, ओके। और जो इसका रूट होगा, मतलब रूट इस सी का रूट हो जाएगा, और यही हमारा है BST, जिसमें हम मिनिमम एक्सेसिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू सर।